नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सिविल इंजीनियरिंग पीडिया। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसी सीट और जीआई सीट, यानी कि एसी सीट का मतलब क्या होता है, एस्बेस्टोस सीमेंट सीट, और जीआई सीट का मतलब होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन सीट, यानी कि कॉर्बोरेटेड गैल्वेनाइज्ड आयरन सीट। इसमें हम लोग जो इंड लैप प्रोवाइड करते हैं, यानी कि दो सीट के ऊपर, चाहे दो एसी सीट हो चाहे वो दो जीआई सीट हो, तो दो एसी सीट के जो इंड में हम लोग जो लैप प्रोवाइड करते हैं वो लैप कितनी होनी चाहिए, और लॉन्गिट्यूडनली हम लोग कितना लैप प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे चीज़ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए जो इंड लैप हम प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल लैप हो दो एसी सीट के बीच में, वो आपका डिपेंड करता है स्लोप के रूप के ऊपर। यानी आप अगर हम 1:3 के स्लोप प्रोवाइड कर रहे हैं रूप के अंदर, यानी कि एसी सीट आप 1:3 के बेसिस में है, अगर आपको इसको एंगल में कन्वर्ट करना है तो आप 1/3 10 थीटा डिग्री के एंगल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे आपको जो स्लोप हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो 1:3 है, यानी कि 1 आपका वर्टिकल है वो, और 3 जो है वो आपका हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो इसमें अगर 1:3 और उससे ज़्यादा का अगर स्लोप प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहाँ पे आप लोग इंड लैप हो चाहे लॉन्गिट्यूडनल लैप हो, दोनों के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो इंड लैप और लॉन्गिट्यूडनल लैप के लिए आपको कितना देना है, 150 mm, यानी कि आपको 6 इंच प्रोवाइड करना है, इतना तो आपको करना ही करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको 6 इंच इतना प्रोवाइड करना है। कितने स्लोप के लिए, 1:3 और उससे ज़्यादा के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड, अगर आपका स्लोप अगर 1:3 से कम है, अगर जो आप एसी सीट प्रोवाइड कर रहे हैं उसका जो स्लोप है रूफ का उससे कम है 1:3 के, 1 यानी कि हॉरिजॉन्टल, 1 यानी कि वर्टिकल, और 3 यानी कि हॉरिजॉन्टल, उससे अगर कम है तो वहाँ पे आप लोग 200 mm से लेके 300 mm तक का इंड लैप प्रोवाइड कर सकते हैं, और साथ साथ आप लॉन्गिट्यूडनल लैप भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूडनल और इन लैप दोनों के लिए सेम ही क्राइटेरिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर स्लोप 1:3 से कम है तो वहाँ पे हम लोग 200 mm से लेके 300 mm तक हम दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।